हे गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शेयर मार्केट टॉक्स में। तो यहाँ पे गाइस हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जितने भी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल रहे हैं सारे आईपीओ से, जो भी करंट आईपीओ है। डीसेक सिस्टम कल होने वाला लिस्ट, उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, और हाँ गाइस उसका लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वीडियो डाला जा चुका है सामने, थंबनेल लगा रहा हूँ, जरूर देखना, बहुत ही बेहतर शानदार तरीके से बताइए। मार्केट में कोई भी आपको नहीं बताता लिस्टिंग कहाँ हो सकती है, वो हम प्रेडिक्शन निकालते हैं, और उसके साथ ही गाइस बेस्ट स्ट्रेटजी किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को और फ्रेश बाय के लेवल, तो वीडियो जाकर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी दे दूंगा। उसके बाद गाइस यहाँ दो आईपीओ हमारे पास हैं जो कल होंगे लास्ट, जैसे आरकेएन हो गया, फाइव स्टार हो गया, तो क्या हम इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो गाइस आपको वीडियो पूरा देखना, स्किप नहीं करना, अगर जब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको हमेशा अपडेट्स हमारी तरफ से मिलती आई है और आगे भी मिलती रहेगी। तो यहां पे गाइस स्टार्ट करते हैं हम पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम से, जो हमारे पास लेटेस्ट आईपीओ है। पहले गाइस स्टार्ट करते हैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस से। अलॉटमेंट इसका आ चुका है, टेलीग्राम पे हमने लिंक शेयर कर दिया, और टेलीग्राम का पता ही आपको, कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको लिंक प्रोवाइड करवाएं। यहां पे गाइस इसका जो करंट प्रीमियम है वो हमें थोड़ा सा पुश होता हुआ दिखा, मतलब 7 से 8 रुपए, तो गाइस ये करीब 2% होता है, तो लिस्टिंग इनके लिहाज से कुछ खास करता हुआ नहीं दिखेगा ये। अगर जो बात करें इसके लिस्टिंग डेट की, क्योंकि अलॉटमेंट तो आज आ चुका है, तो ये रहने वाला है 15 नवंबर को, यानी कि 15 तारीख को लिस्टिंग होगी इसकी। नेक्स्ट टाइप है बीकाजी फूड, इसमें आपको डिमांड जो है बढ़ती हुई दिखी है, वही 40 से 42 रुपए की, ठीक है। अगर जो बात करें एक्सपेक्टेड लिस्टिंग अर्निंग की, तो गाइस इसमें करीब 13 से 14% तक की डिमांड हमें निकलती हुई दिख रही है। इसके बाद करें अगर जो हम अलॉटमेंट का, तो गाइस अलॉटमेंट इसकी 11 तारीख को पता चलने वाली है और लिस्टिंग होने वाली है 16 नवंबर को। नेक्स्ट है गाइस डीसीएक्स सिस्टम आईपीओ, इसका डिटेल में मैंने सब कुछ डाल दिया है, लिस्टिंग डेट स्ट्रेटजी, और जो ग्रे मार्केट है गाइस ग्रे मार्केट में भी वही 85 से 90 रुपए की डिमांड निकलती हुई दिख रही है। लिस्टिंग डेट स्ट्रेटजी जाकर जरूर देखना, अगर जो आपको आईपीओ मिला है तो भी नहीं मिला तो भी उसमें फ्रेश बाय के लेवल और सारा कुछ मैंने डिस्कस कर रखा है, और बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए रहने वाली है, डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा। इसका गाइस ग्रे मार्केट में हमको बता ही दिया, कल है इसकी लिस्टिंग आईनॉक्स ग्रीन, इसका डिटेल रिव्यू आपको कल ओपन होगा, ये 11 से 15 क्लोज होगा, फ्राइडे से सैटरडे संडे बीच में मिल गया, 61 से 65 रुपए का प्राइस बैंड है, 230 का लॉट साइज है, और यहाँ पे इसका डिटेल रिव्यू आपको कल चैनल पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कल इसकी ओपनिंग है, तो ओपनिंग में ही इसका वीडियो डालना ज्यादा सही होगा, मुझे डालना तो आज था, सब कुछ फाइनल पड़ा है, बस कल पब्लिश कर देना है। तो इसका जो ग्रे मार्केट में गाइस वो 8 से 10 रुपए का निकलता हुआ दिख रहा है, जो कि हमें 15 से 16% होता है। एंड गाइस हाँ, मैं ये भूल गया आपको बताना कि अगर जो डीसी सिस्टम आईपीओ में आपका रिफंड नहीं आया है, तो गाइस रिफंड आने के लिए जो डेट है वो तो आज की होनी चाहिए, मतलब आज आना चाहिए, या फिर मैक्सिमम कल तक आ जाएगा। अगर जो कल तक नहीं आता है, तो जब आप आईपीओ अप्लाई करते हो यूपीआई के थ्रू, तो उसमें रिवोक होने के लिए कुछ टाइम पीरियड होता है, ठीक है, 5 से 6 दिन 7 दिन का, जिस दिन से आईपीओ अलॉटमेंट आता है, तो आप 1 हफ्ते तक का वेट कर लो, आपका फंड आ जाएगा। जो फंड नहीं आएगा, तो लिंक्डइन टाइम के रजिस्टर पे जाके वहां पे आपको मेल आईडी मिल जाएगा, उनको मेल कर दोगे तो आपका रिफंड जो है वो वापस आ जाएगा, और अगर जो नहीं आता कमेंट सेक्शन में बता देना, लेकिन एटलीस्ट 4 से 5 दिन आपको वेट करना पड़ेगा अलॉटमेंट आने के बाद का, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आईपीओ है वो कीस्टोन रिटेलर्स लिमिटेड, जो कि ओपन होगा 14 को, क्लोज होगा 16 को, यहां पे 514 से 541 रुपए का प्राइस बन रखा गया है, और लॉट साइज जो है वो 27 का रहने वाला है। इसमें कोई भी ग्रे मार्केट की डिमांड निकलती नहीं दिख रही है, और गाइस बचे हमारे पास हमारे वो आईपीओ जो अभी ओपन है करंट में, तो यहां पे आर्चियन केमिकल, आर्चियन केमिकल इंडस्ट्री गाइस केमिकल के सेक्टर में 3 सेगमेंट में काम करती है, जिनमें से एक में इसकी मोनोपोली इंडिया में, और 2 में बहुत बड़ी इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये, तो यहां पे ये आईपीओ धमाकेदार कर सकता है। लेकिन आज का जो सब्सक्रिप्शन रेट है डोटू का 1.41 है, और क्यूआईबीज ने 0.54 टाइम, एनआईआई ने पैसा कुछ खास नहीं डाला, लेकिन 2 टाइम अपना कोटा फुल कर दिया, रिटेलर्स ने अपना कोटा 3 टाइम फुल कर दिया। तो गाइस यहां पे इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले ये जान लो, इसका जो प्राइस बैंड है वो थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है आर्किन का। इसका डिटेल भी मैंने चैनल पे कर रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस समझाया, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो इसका जो प्राइस बैंड है वो आपको 2 रुपए फेस वैल्यू पे 407 रुपए देने को मिल रहा है, इसकी वजह से हमें थोड़ी महंगा देखने को मिल रहा है, वैल्यूएशन भी थोड़े से महंगे हैं, और इस महंगे वैल्यूएशन को संभालने के लिए भाई वही सेम बीकाजी वाला हाल, अगर जो क्यूआईबीज आते हैं अच्छे खासे, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार मैं वो कल टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा कि इस आईपीओ में क्या करना, इनके इस टेलीग्राम की बात हुई है तो उसके बेनिफिट्स देख लो, आप मिस मत करना। ये चैनल जहां पे 22.8K सब्सक्राइबर देने को मिल रहे हैं, मोस्टली लोग आप लोग यहां पे हो गए, और यहां पे वही लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेड लेते हैं। यहां पे देखो आज बैंक निफ्टी की 3 कॉल दी थी, 1 स्टॉप लॉस हिट हुआ है, पूरे महीने में पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ है हमारा, एक्सेप्ट करते हैं वो चीजें। उसके बाद यहाँ पे 30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक, फिर 50 पॉइंट का प्रॉफिट बुक, और यहाँ पे एसएल पेड लिख के नहीं दिया जाता है, वरना 400-500 का प्रॉफिट बुक रोज करवाऊं मैं। और यहाँ पे गाइस आपको चार्ट भी दिए जाते हैं, लेवल्स भी बताए जाते हैं, सुबह ही बता दिए थे आज तो मैंने, और दिन में भी कई बार शेयर किए जाते हैं आपके साथ। यहाँ पे पोजिशनल कॉल भी दी जाती है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक एफएनओ, सारी कॉल देखने को मिलती है। अगर जो आपको लेना नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बेसिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग लाइव सीखे, 400 से भी कॉल ले सकते हैं, आज के दिन 300 से 400 वाली भी कॉल मिलती है, एक्सपायरी वाले दिन, आज के दिन एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी निफ्टी की। तो यहाँ पे गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना सारे आईपीओ
वीडियोस के रिव्यू के साथ साथ, और आप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में देने को मिल जाएगा शेयर मार्केट टॉक्स के नाम से, और इसी के नीचे मिल जाएगा न्यूज चैनल जहां पे सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, चाहे वो आईपीओ या शेयर। तो यहां पे गाइस फिलहाल इस आईपीओ में अप्लाई करने से कर रहा हूं मैं खुद को मना। अगर आपको लगता है अप्लाई करना तो आप अपना रिस्क सोच के ही अप्लाई करना, वरना फिर मैं कल फाइनल डिसीजन देता हूं अपने लिए भी और आपके लिए भी, तो वो देख के ही लगाना। नेक्स्ट है गाइस फाइव स्टार, जिसकी पिटाई बहुत बुरे तरीके से होती हुई दिख रही है, एकदम फ्यूजन वाला हाल। 450 से 474 प्राइस बन रखा है, वो भी एक रुपए के फेस वैल्यू पे। जो डेट है वो 9 से ओपन हुआ था, 11 क्लोज होगा, अलॉटमेंट 16 को पता चलेगी और 21 को होगी इसकी लिस्टिंग। गाइस समय के अभाव में मैं इसका डिटेल रिव्यू कर ही नहीं पाया, एक बार कल शॉर्ट रिव्यू मैं आपको दूंगा इसका और आरजेएम का एक साथ फाइनल डिसीजन वीडियो जब बनाकर डालूंगा तो वीडियो ही दूंगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में थोड़ी डिटेल देनी बनती है। एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें एक साथ करते हैं, जैसे कॉल देते ही हैं, उसके साथ कई सारे ग्रुप्स भी रन करते हैं, और मैं ही पूरा प्रॉपर रिसर्च करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, तो इतना टाइम मिल नहीं पाता। एक्चुअली कुछ पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत चीजें भी करता हूँ, तो इतना टाइम मिल ही नहीं पाता है कि इतनी सारी चीजें करो। और आपको स्टॉक्स के रिव्यू भी देखो, पैनी शेयर या फिर अच्छे शेयर्स के देते रहता हूँ टाइम टू टाइम, तो इसलिए ये मेरे से मिस हो गया। पर कल लास्ट दिन है, आपको मैं कंपैरिजन वीडियो अनुसार होगा और इसका रिव्यू भी देने की कोशिश करूंगा। क्यूआईबीज ने अपना कोटा फुल कर दिया, एनआईज ने यहाँ पे बिल्कुल भी पैसा नहीं डाला, आप देख लो दोनों को। रिटेलर्स में अपना पैसा डाला 0.32 टाइम होता हुआ दिखा है। अगर जो सब्सक्रिप्शन में बात करें मतलब 5-6 गुना भी हो गया तो मान लो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगा, पर इस आईपीओ में साफ साफ लगाने से अभी मना कर रहा हूं, कल देखेंगे इसका भी। फिलहाल ये आईपीओ महंगे वैल्यूएशन पे है, मोस्टली सभी लोग इसको अवॉइड करते हुए देखेंगे। पर अगर जो कोई मिरेकल हुआ क्यूआईबी के द्वारा बीकाजी से की तरह, तो देख सकते हैं कि काइनेस टेक्नोलॉजी गाइस अपने सेगमेंट की बेस्ट कंपनी, जैसे आप डिक्सन को जानते हो उसी तरीके की कंपनी ये भी है और बढ़िया काम करती है। अभी जैसे डीसीएक्स आई है ना, उसी तरीके से इसका भी बिजनेस है, तो काफी अच्छा बिजनेस है। बस थोड़ा सा प्राइस जो है वो अच्छा नहीं देखने को मिला है, 10 को ओपन होगा 14 क्लोज, तो अभी इसके पास पूरा टाइम पड़ा हुआ है इसको देखने के लिए। हमें देख लेते हैं कि डे 2 पे क्या होता है सब्सक्रिप्शन, और फिर सैटरडे संडे में डिसाइड करेंगे इसमें लगाना है। डिटेल रिव्यू चैनल पे पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है काइनेस नाम से। आई थिंक आप समझ जाओगे इसमें अप्लाई करना ही नहीं करना, आपको डिसीजन का वेट करना ही नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल इसमें अगर जो लगाना भी तो 30 लगाएंगे। जो सब्सक्रिप्शन डेटा है वो आपके सामने है, 2.4 टाइम्स हुआ है। एम्प्लॉई ने फुल कर दिया अपना कोटा, मतलब भरोसा दिखाया कंपनी में। रिटेलर्स ने 0.12, एनआईएस ने यहाँ पे बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन किया है 0.10 ओवरऑल। क्यूआईबीज ने अपना कोटा आधा फुल कर लिया है, टोटल जो है 23% हमें आता हुआ दिखा है। इसके ग्रे मार्केट की बात रुक गई तो काफी बंपर डिमांड निकलती दिखी अचानक से आज 80 से 82 रुपए की, और ये करीब 12 से 13% होता हुआ दिखाया, जो कि 30-40 रुपए पे था, तो यहाँ पे गई इसमें डबल लगभग होता हुआ कह सकते हैं, 30-40 से 80-82 का डिमांड। तो काइनेस में डिमांड अच्छी निकलती दिख रही है, ये आईपीओ अच्छा भी कर सकता है। यहाँ पे गई पीछे इनके मैंने ग्रे मार्केट में नहीं बताया, ये नेगेटिव में चल रहा है, मतलब 0 मान लो, 1-2 रुपए के माइनस में बिकने को मिल रहा है। आर्किन की बात रुक गई तो यहाँ पे जो ग्रे मार्केट में वही 60 से 80 रुपए की डिमांड निकल रही है, काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन है, लेकिन जब सब्सक्रिप्शन होगा नहीं डे 2 पे एक्सपेक्टेड, तो ऑब्वियस इतना तो गिरना तय ही है। इसके बाद गई मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, बचे हैं 2 एसएमई कैटेगरी आईपीओ। एमिएबल लॉजिस्टिक, इसमें डिमांड गाइस थोड़ी सी बढ़ती दिखी है, 45 से 48 रुपए तक डिमांड निकलती हुई दिख रही है। और नेक्स्ट आईपीओ गाइस वाइटल, इसका अलॉटमेंट आपको पता चल चुका होगा, और इसमें डिमांड गाइस वही 85 से 90 के बीच में स्टेबल दिखता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे डिमांड बंपर हो सकती है। आई होप आपको सारी दी हुई जानकारी समझ में आई हो। कुछ अगर आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, अगर जो कुछ रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, अगली वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेहतर अपडेट्स के लिए, और डीसीएक्स सिस्टम आईपीओ का लिस्टिंग स्ट्रेटजी जरूर देख लेना। करते हैं वीडियो को एंड, थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, प्लीज स्टे लिस्टेड।